आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स और उनके इलाज के बारे में। कैस्टर ऑयल बालों के स्वास्थ्य में सुधार और बालों के झड़ने को कम करने के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है। यह त्वचा देखभाल उत्पादकों में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और कहा जाता है कि स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में सकारात्मक परिणाम दिखाता है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई शोध नहीं है। कुछ कारण हैं जो कैस्टर ऑयल स्ट्रेच मार्क्स पर काम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने चर्चा की है कि कैस्टर ऑयल स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद कैसे कर सकता है और उसका उपयोग कैसे सरल तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बारे में और पढ़ने के लिए जाए हमारे वेबसाइट willetamil.com पे। कैस्टर ऑयल इन कारणों से खिंचाव के निशान को कम करने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल कुछ लवण और एस्टर के साथ साथ एक असंतृप्त ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है। इन सभी में एक त्वचा कंडीशनिंग प्रभाव होता है और आपकी त्वचा को नमी युक्त बनाए रखता है। कैस्टर ऑयल ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस को रोकता है। चूहे के अध्ययन में कैस्टर ऑयल ने एक एक्सप्लोडिंग इफेक्ट दिखाया है, अर्थात पूर्ण जल योजन के कारण झिल्ली सूज गई थी और परगम्य हो गई थी। एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि मॉइस्चराइजर निशान के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। शारीरिक रूप से खिंचाव के निशान की तरह होते हैं, इसलिए उचित मॉइस्चराइजेशन और बेहतर ट्वेल उनकी उपस्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कैस्टर ऑयल का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट निशान को सुधारने में मदद करता है। स्ट्रेच मार्क्स के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग कैसे करें? एक अध्ययन में कहा गया है कि कोल्ड प्रेस प्लांट तेलों में रिफाइंड तेलों की तुलना में उच्च पोषण गुण होते हैं, इसलिए उनके पास बेहतर मेडिकल इफेक्ट है। शोधन और रासायनिक उपचार किसी भी तेल के मेडिकल बेनिफिट को कम करते हैं, इसलिए सर्वोत्तम परिणामों के लिए कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल का उपयोग करें। अब हम बताएंगे कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए आप कैस्टर ऑयल का प्रयोग कैसे करें। कैस्टर ऑयल से गर्म मालिश। कैस्टर ऑयल नमी को नुकसान से बचाता है और त्वचा को हाइड्रेट रखता है। यह स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल 2 बड़े चम्मच। तरीका, कुछ सेकंड के लिए कैस्टर ऑयल को माइक्रोवेव करें। 5-10 मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्र पर गर्म तेल से मालिश करें। इसे रात भर लगा रहने दें। कम से कम 1 घंटे के बाद इसे धो लें। इसे हर दिन दोहराएं। कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल त्वचा पर एक चिकित्सक प्रभाव डालता है और यह उत्कृष्ट मॉइस्चराइजर है। यह त्वचा को नमी युक्त रख सकता है और खिंचाव के निशान को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आपको चाहिए कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल 1 बड़ा चम्मच, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 बड़ा चम्मच। तरीका, दोनों तेलों को मिलाए। यदि आप चाहते हैं तो कुछ सेकेंड के लिए मिश्रण को गर्म करें। इसे स्ट्रेच मार्क्स पर मसाज करें। इसे रात भर लगाए रहने दें। हर दिन दोहराए। कैस्टर ऑयल और लौंग का तेल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह ऊतक रिमॉडलिंग फाइब्रोब्लास्ट पर प्रभाव डालता है। यह संपत्ति निशान को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि खिंचाव के निशान पर लौंग या लौंग के तेल के प्रभाव को स्थापित करने के लिए कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए लौंग आवश्यक तेल की 2-3 बूंदें, कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल का 1 बड़ा चम्मच। तरीका, दोनों तेलों को मिलाए, खिंचाव के निशान पर मिश्रण की मालिश करें। इसे रात भर लगा रहने दे, हर दिन दोहराए। याद रहे, लौंग के तेल से त्वचा में जलन हो सकती है। उपयोग करने से पहले एक पैच परीक्षण जरूर करें। इसके बारे में और पढ़े हमारे वेबसाइट willetamil.com पे। कैस्टर ऑयल एंड एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा को नमी युक्त रखता है। यह कोलेजन का उत्पादन करने के लिए माइक्रोब्लास्ट को भी उत्तेजित करता है। यह खिंचाव के निशान की उपस्थिति को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, ताज़ा एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच। तरीका, एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल को मिलाए 5-10 मिनट के लिए खिंचाव के निशान पर मिश्रण की मालिश करें। इसे रात भर लगा रहने दें। हर दिन दोहराए। कैस्टर ऑयल और हल्दी। हालांकि हल्दी का स्ट्रेच मार्क्स पर कोई असर नहीं हो सकता है, लेकिन इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी
एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, 1 चुटकी हल्दी पाउडर। तरीका, कैस्टर ऑयल और हल्दी पाउडर मिलाए, खिंचाव के निशान पर मिश्रण की मालिश करें, इसे 1 घंटे के लिए रखें और फिर इसे धो ले। एक मॉइस्चराइजर के साथ पालन करें, हर दिन दोहराए। याद रहे, हल्दी त्वचा और आपके कपड़ों पर दाग छोड़ सकती है। कैस्टर ऑयल और प्लास्टिक रैप, इस तरह कैस्टर ऑयल लगाने से आपकी त्वचा को गहरी नमी देने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल, चिपकाने वाली प्लास्टिक लपेटने के लिए। तरीका, कुछ सेकंड के लिए कैस्टर ऑयल तेल गर्म करें या माइक्रोवेव करें, इसे स्ट्रेच मार्क्स पर मसाज करें, क्लिंग रैप के साथ क्षेत्र के को कसकर लपेटें, इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें, इसे अनप्लग करें और क्षेत्र को फिर से मालिश करें, तेल को ना धोएं, इसे त्वचा द्वारा अवशोषित होने के लिए छोड़ दें, हर दिन दोहराएं। कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल, कड़वे बादाम के तेल से मालिश करने से स्ट्रेच मार्क्स की उपस्थिति कम हो सकती है और नए को भी रोका जा सकता है। मीठे बादाम का तेल खिंचाव के निशान पर खुजली को कम करने और उनकी प्रगति को रोकने में मदद कर सकता है। याद रहे, यदि आप अकेले कड़वे बादाम के तेल का उपयोग कर रहे हैं तो 2-3 चम्मच प्रति चम्मच का उपयोग करें, क्योंकि यह एक आवश्यक तेल है। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1/2 चम्मच मीठा बादाम का तेल, कड़वे बादाम के तेल की 2-3 बूंदे, यह वैकल्पिक है, 1/2 चम्मच कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल। तरीका, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल मिलाए, खिंचाव के निशान पर मिश्रण की मालिश करें, इसे कम से कम 1 या 2 घंटे रात भर के लिए छोड़ दें, 1 दिन दोहराए। कैस्टर ऑयल और चीनी का स्क्रब, चीनी अपने मोटे बनावट के कारण एक उत्कृष्ट प्राकृतिक स्क्रब है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्क्रबिंग स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद कर सकता है। लोग अक्सर निशान को कम करने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि परिणाम आने से अधिक समय लग जाता है। इसके लिए आपको चाहिए दानेदार चीनी के 2 बड़े चम्मच, 1 चम्मच कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल। तरीका, चीनी और कैस्टर ऑयल मिलाए, 5-10 मिनट के लिए खिंचाव के निशान पर मिश्रण की मालिश करें, इसे 1 और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, इसे धो लें और एक मॉइस्चराइजर लागू करें, हर वैकल्पिक दिन दोहराए। स्ट्रेच मार्क्स के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। कैस्टर ऑयल एलर्जी का कारण हो सकता है। अध्ययनों में इस पहलू में विरोधी परिणाम पाए गए हैं। जबकि कैस्टर ऑयल के कुछ जानवरों के अध्ययन में लालिमा और जलन का कारण पाया गया है, लेकिन कुछ अन्य में त्वचा की जलन नहीं हुई है, इसलिए सावधानी बरतना बेहतर है। यह निर्धारित करने के लिए पैच परीक्षण करें कि क्या यह आपकी त्वचा को परेशान करता है। यह कॉमेडोजेनिक है। खरगोश पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि कैस्टर ऑयल में कॉमेडोन हो सकता है, जो त्वचा के छिद्रों को अवरुद्ध कर सकता है। यह प्रभावित क्षेत्र में मुहासे जैसे धब्बों के विकास का कारण हो सकता है। कैस्टर ऑयल कोई आशाजनक परिणाम नहीं देता है। किसी भी अन्य वनस्पति तेल की तरह कैस्टर ऑयल का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपकी त्वचा को स्वस्थ रख सकता है और लंबे समय तक उपयोग के साथ खिंचाव के निशान को कम कर सकता है। यदि आप कैस्टर ऑयल का उपयोग करना चाहते हैं तो दुष्प्रभावों से अवगत रहें। रात भर या इसकी परिणाम के लिए अपेक्षा ना करें। धैर्य रखें और अन्य उपचार विकल्पों के लिए डॉक्टर से परामर्श करें ताकि सही परिणाम मिले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे वेबसाइट velatamil.com पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।